खामगांव तहसील के MID स्थित होटल मराठा के पास से DCM गाड़ी पलट जाने से ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तो यह घटना दिनांक 2/6/2019 की सुबह 5 बजे की करीबन हुई है। ऐसा बताया जा रहा कि जख्मियों के 5:30 पर खामगांव के सामान्य अस्पताल में ट्रामा केयर यूनिट में लाया गया, जहाँ पर TV1 इंडिया न्यूज संवाददाता खामगांव बुलवाड़ा जिला के सूरज यादव, जिन्होंने एक्सीडेंट हुए युवक से पूछताछ की तो यशवंत दामोदर भामरे उम्र 23 वर्ष के नर गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर ललित पाटिल केबिन में लेटा हुआ था। इनका झकोला आने की वजह से DCM गाड़ी पलटी हुई थी। इस घटना से यशवंत भामरे गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी के अंदर ही फंसा युवा था, जिसके सर पर भारी मात्रा में चोटें आई थी। ड्राइवर ललित पाटिल गाड़ी के बाहर फेंके जाने की वजह से उसके हाथ और पैर छिल गए। सामान्य अस्पताल के डॉक्टर नरेंद्र पावन ने जख्मी और इलाज कर अकेला जाने की वजह से दोनों युवक साखली दूर होने के कारण उनके पास कोई रिश्तेदार नहीं जल्दी पहुंचा, जिसकी वजह से TV1 इंडिया न्यूज के संवाददाता सूरज यादव ने 108 नंबर टोल फ्री नंबर पर फोन करके घटना की जानकारी दी, जहां पर यशवंत भामरे, ललित पाटिल और दोनों मरीजों को अकोला के मेन हॉस्पिटल में रेफर किया गया। इस कार में बाबू भाई क्रेन वाले सूरज राजपूत और पावर बाउंड की मदद से अकोला जाकर मरीज की मदद की गई थी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सूरज यादव की रिपोर्ट, बुलढाणा, महाराष्ट्र।